इतना टेस्टी पिज्जा, मजा आ गया खा के। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक तू पिज्जा मंगवाती रहेगी? कभी तो घर का खाना बना लिया कर। अगर आपको घर का खाना खाना है तो खुद बना के खा लीजिए ना, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगी। पिज्जा मेरा फेवरेट है। बहू तू कितनी बदतमीज है, कम से कम खाते वक्त तो पादना बंद कर। अरे ससुर जी, पादु थोड़ी ना मुझे पता करा था कि दिव्या मैं आ रहा हूँ, तू रेडी हो? पादु तो जब चाहे तब आता है ना। अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू तू कितनी बदतमीज बन गई है, जब से तेरी सास मायके चली गई है ना, तब से और ज्यादा बदतमीजी करने लगी है तू। कितना बदबूदार पाती है बहू तू। तूने तो अब बाद में भी मास्टर डिग्री पीएचडी सब कर लिए, ऐसा कब तक चलता रहेगा बहू? उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। अगर आपको यहाँ बैठना है तो मेरे पादू सुन के बैठिए, वो ना यहाँ से चले जाइए। बहू बदबू तो ऐसी है जैसे सड़ी हुई गोबर हो, मुझे तो उल्टी आ रही है बहू, मैं सहन नहीं कर सकता। तू कैसे खाती भी है और पाती भी है? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये तो चाहती थी मैं। चले गए ससुर जी, अब मैं आराम से पादु की गंध सूंघती रहूंगी और पिज्जा खाते रहूंगी। बदबू से पता चलता है कि बहू इस कमरे में आई होगी। पता नहीं ये बहू कब सुधरेगी, कब अपना इलाज करेगी। मेरे लिए सांस अटका कर रखना मुश्किल हो गया है। पूरे घर में गंदगी फैला के रखी है, तब तक मैं स्प्रे करता रहूं 20 बोतल खत्म हो चुका है। हे भगवान, मेरी बहू को थोड़ा सद्बुद्धि देना, इस तरह जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि देना भगवान। ये मेरे ससुर जी बहुत काम चोर है। मैंने कहा था कि ससुर जी एटलीस्ट आज तो झाड़ू लगा दीजिए, लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां चढ़नी है और मेरे पादू की बदनामी करनी है और दिन भर परफ्यूम लगा के घूमते रहना है। मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे बोल लग रहा है, एक काम करती हूँ, गाना गा गा कर झाड़ू लगाती हूँ। हाँ याद पिया की, नहीं नहीं, याद पादू की, हाँ याद पादू की आने लगी। हाय पादू पादू रातों में आसमान में जैसे बादल हो रहे हैं, हम पादू के लिए धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है पादू जब मिलने आए, मैं तो मर जाना है पादू जब मिलने आए। ना 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 ना। पता नहीं सबके पिया आ गए, लेकिन मेरे पिया कब आएंगे? अरे मैं तो बहुत जोर जोर से पाती हूँ, कहीं मोहल्ले वालों को पता ना चल जाए। धीरे से पाती हूँ। अरे धीरे से पातने की जगह मैं और ज्यादा जोर से पात रही हूँ। एक काम करती हूँ, घर के अंदर चली जाती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। वाव, आज तो ससुर जी भी घर में नहीं है, आज मैं आराम से जी भर के पातूंगी। अरे इस वक्त कौन आ गया होगा? ससुर जी आते तो पीछे के रास्ते से आते, वो ना बहु बहु कह के चीखते रहते। पता नहीं कौन आ गया होगा, शायद पड़ोसी आ गए होंगे। हाँ हाँ, अरे बिमला तू आई है, आ बैठ बैठ बैठ। मैं नहीं बैठूंगी। तो क्या करेगी? तू मेरी बात सुन। हाँ बोल। तो क्या कर रही थी घर के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा है कोई एटम बम फोड़ रहा है। तुम अगर एटम बम भी फोड़े तो घर के बाहर फोड़ रहे, अंदर क्यों फोड़ रही थी? अरे मैं एटम बम नहीं फोड़ रही थी। क्यों, क्या कर रही थी, तू क्या कर रही थी? मैं एटम बम नहीं फोड़ रही थी, मैं मिर्ची बम फोड़ रही थी। तुझे अगर मिर्ची बम ही फोड़ना था तो घर के बाहर फोड़ती ना, अंदर क्यों फोड़ रही थी? मैं जहाँ भी फोड़ू मेरी मर्जी, मेरा घर है ना, माय रूल। तेरा घर की वजह से हमारा घर भी जल जाता ना अगर तेरा घर जलता तो। पहली बात, मैं एटम बम नहीं फोड़ रही थी, मैं मिर्ची बम फोड़ रही थी। और दूसरी बात, मिर्ची बम से कोई घर वाल नहीं जलता, कोई नुकसान नहीं होता, तुझे समझ में आया? लेकिन दूसरों को परेशानी तो होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था धाम धूम।
जब तक तू मुझे वादा नहीं करेगी मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। नहीं हिलेगी? नहीं हिलूंगी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ कि मैं मिर्ची बम फोड़ रही थी या आलू बम या एटम बम। रुक, फोड़ फोड़, मैं नहीं डरती हूँ, समझी? नहीं डरती है? नहीं। रुक, अभी पाती हूँ। ये क्या? देखा तूने मैं क्या बम फोड़ती थी? ची ची ची, तू पाती रहती थी घर में दिन भर। हाँ, तू तो एक नंबर की पादरी है। ये तूने क्या कर दिया मेरे मुंह के सामने? अगर पाद दिया तूने, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मेरी इतनी हिम्मत, और तूने मुझे पादरी क्यों कहा? तू पादरी है, तू मेरे सामने पाती है। मोटी भैंस कहेगी आई बड़ी मुझे सलाह देने वाली। मेरा बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। बहुत पेट में दर्द हो रही है। बहू क्या हो गया? क्यों कर रही है? ससुर जी मेरे पेट में दर्द कर रहा है। अरे मैंने कहा था बहू डॉक्टर को दिखा ले, तू समझती वमझती कुछ नहीं है। गंद भी बहुत बढ़ रही है बहू, अब तो सहन भी नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर को बुलाने दे। हाँ ठीक है ससुर जी, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकती। तो यहीं बुलाना है ना? हाँ ठीक है बहू, मैं बुलाता हूँ। लेकिन अचानक से तेरी पेट क्यों दर्द हो रही है? वो अच्छा तो ये बात है। अब ससुर जी बिमला सबको बता देगी, फिर सब मेरे पर सूखेंगे, मेरे तो नाके कट गए, सब मुझे पदूरी के चिराएंगे। बहू इसमें तेरी गलती है, क्या जरूरत थी उसके सामने जबरदस्ती पादने की? देख जबरदस्ती पादने की वजह से तेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गए। तू टेंशन मत ले बहू, डॉक्टर साहब आएंगे ना तो डॉक्टर साहब इलाज कर देंगे और तू ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ससुर जी, आप फोन कर दीजिए डॉक्टर को। तू फोन दे मुझे, वहाँ है मेरा फोन। ठीक है बहू मैं फोन करता हूँ। ठीक है ससुर जी। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हमें देरी करनी भी नहीं है डॉक्टर साहब, आप बताइए इसका क्या उपाय है? इसका बस एक ही उपाय है। वो क्या डॉक्टर साहब? इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बहू तो इंजेक्शन लगाएगी ना? नहीं ससुर जी, नहीं डॉक्टर जी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन लगाने पर बहुत दर्द होता है, नहीं लगाऊंगी मैं इंजेक्शन। बहू तू ये क्या बोल रही है? तुझे पता है ना बिमला क्या कर सकती है? वो पूरे मोहल्ले में तेरी बेइज्जती कर सकती है, तेरी नाक कट जाएगी। बहू तू क्या चाहती है, पूरे मोहल्ले में तेरी नाक कट जाए? नहीं ससुर जी। तो फिर बहू मान जा इंजेक्शन लगाने के लिए, कुछ भी नहीं होगा, हल्का सा दर्द होगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि इंजेक्शन लगा है। ठीक है डॉक्टर साहब लगा दीजिए। डॉक्टर साहब लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा बहू। लग गया डॉक्टर साहब? हाँ। मैंने कहा था ना बहू तुझे दर्द नहीं होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरी मदद करने के लिए, अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना मैं। हाँ हाँ। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तुझे तेरी गलती की एहसास हो गई है ना, यही मेरे लिए बड़ी बात है।